हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अभी घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें आप घर बैठे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज इसी इनिशिएटिव के अंदर अगर हम इतिहास का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और अगर आप 9th, 10th, 11th या 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको घर बैठे पढ़ाई करनी है, तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घर बैठे ही सारे के सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कीजिए। तो आज जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं वो है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। ये 9वीं के इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसीलिए इस चैप्टर को हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो पहले चैनल को यार, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को। तो 20वीं शताब्दी का जो पहला हिस्सा था, पूर्वार्ध था, वो पूर्वार्ध अलग अलग घटनाओं की वजह से काफी प्रसिद्ध रहा। इस 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पूरी विश्व ने कई ऐसी घटनाओं को देखा या कई ऐसी घटनाओं का सामना किया जिसने पूरी की पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। सबसे पहले दो होने वाली जो दो महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन घटनाओं में सब दो घटनाएं सबसे पहले सामने आती हैं, और वो है दो विश्व युद्ध। एक ऐसे युद्ध जिसमें हथियारों का बहुत ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, हजारों लाखों लोगों की जान चली गई, किसी पे भी कोई भी संदेह या आरोप नहीं लगाया गया, हजारों लाखों लोगों की जान चली गई। इसके अलावा उसी में आप देखोगे तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि इन लाखों लोगों की जान जाने के पीछे हमारे जैसे साधारण लोगों का नहीं बल्कि यूरोप की बड़ी शक्तियों का समाधान था। ठीक है, और साथ ही साथ इन्हीं तीनों वर्ष में, मतलब इन्हीं वर्षों में एक विश्व शांति की सोच का भी जन्म हुआ। विश्व शांति की सोच मतलब एक ऐसी सोच जिसमें दुनिया शांति के तरफ बढ़ने को तैयार थी और लोग शांति के तरफ बढ़ना चाहते थे। ठीक है, तो आइए अब बात करना स्टार्ट करते हैं। क्या कि ये घटनाएं, तीन घटनाएं हम पढ़ेंगे बेसिकली। पहली घटना होगी प्रथम विश्व युद्ध, दूसरी घटना होगी द्वितीय विश्व युद्ध, और तीसरी घटना होगी शांति वार्ता, यानी शांति की बातचीत, कैसे कैसे इन लोगों ने शांति लाने की कोशिश की थी। वेरी गुड, तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रथम विश्व युद्ध। तो जैसा कि आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। बाकी युद्धों की तरह ये एक महीने या दो महीने नहीं चला, बल्कि यह पूरे 4 साल तक चला था, 1914 से लेकर 1918, पूरे 4 वर्ष चला था। और इन 4 वर्षों में हजारों लाखों लोगों की जान माल की जानी गई थी। ये पहला युद्ध था जो विश्व स्तर पर लड़ा गया था, यानी पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो गई थी, और इस विश्व स्तरीय युद्ध में लाखों लोगों की जान गई थी। इसके अंदर दो, जब भी युद्ध होता है तो क्या होता है, जब भी युद्ध होता है तो दो पक्ष होते हैं, जब भी युद्ध होता है तो दो पक्ष होते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध दो पक्षों के बीच में लड़ा गया था, यह एक वैश्विक युद्ध था, इतना तो समझ में आ गया, यानी पूरी दुनिया इन्वॉल्व थी इसमें। यह जो दो पक्षों के बीच में लड़ा गया था, जो दो पक्षों के बीच लड़ा गया था। अब कौन कौन से दो पक्ष थे, जब भी युद्ध होगा दो पक्ष तो होंगे ही, मतलब अकेले कोई युद्ध थोड़ी ना करने चला जाएगा। आप किसी से झगड़ा करते हो तो किसी से करते हो, हाँ कोई रहता है, यानी अकेले कमरे में झगड़ा थोड़ी ना कर देते हो, दीवार पर सर थोड़ी ना मार देते हैं। वैसे ही यहाँ पर जब युद्ध हुआ तो दो पक्ष मौजूद थे। एक पक्ष था जिसका नाम था
मित्र राष्ट्र, एक पक्ष था जिसका नाम था मित्र राष्ट्र, ठीक है। और तो इसके अंदर कौन कौन से देश आते थे? इसके अंदर आता था इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर आता था फ्रांस, सॉरी फ्रांस, इसके अंदर आता था हमारा रूस, यूनाइटेड नेशन और उनके सहयोगी देश, मतलब रूस, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और उनके सहयोगी देश, ये मित्र राष्ट्र के नाम से जाने जाते थे, जिनको अंग्रेजी में क्या नाम दिया गया था? अलाइड फोर्सेस। क्या? अलाइड फोर्सेस, यानी इन लोगों ने आपस में क्या की हुई है? संधि की हुई है, अलायंस में है, ठीक है। तो इनको मित्र राष्ट्र का नाम दिया गया। अब एक साइड मित्र राष्ट्र थे तो दूसरे ओर कौन लड़ रहे थे? दूसरे ओर लड़ रहे थे केंद्रीय शक्ति। कौन कौन लड़ रहे थे? केंद्रीय शक्ति, केंद्रीय इनको नाम दिया जाता था अंग्रेजी में सेंट्रल फोर्सेस। ये थे अलाइड फोर्सेस, ये थे सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस के अंदर भी कुछ देश आए जाते थे। पहली बात याद रखिएगा कि ये युद्ध वैश्विक था, इसीलिए जिन देशों का नाम लिया जा रहा है वो अधिक इन्वॉल्व थे। ऐसा नहीं है कि वो ही सिर्फ लड़ रहे थे, वो अधिक इन्वॉल्व थे। उनके अलावा भी कई देश थे जिनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो केंद्रीय शक्ति के अंदर जो देश पाए गए थे वो कौन कौन से देश थे? उनमें एक नंबर पे आता है हमारा सबसे पहले जर्मनी, ठीक है। इधर हम लोग एक रूस के साथ साथ एक देश था, रूस के साथ एक देश था, हम यहाँ पर ई नंबर डाल के लिख देते हैं, सर्बिया। युद्ध स्टार्ट करने में इस देश का बहुत योगदान था, सर्बिया का। चलो अच्छे से लिख देते हैं, सर्बिया, इधर हमारे इस देशों की बात करें, इन देशों में तो जर्मनी हो गया, और उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, इटली, जापान, तुर्की, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब जिसकी वजह से युद्ध स्टार्ट हुआ था, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। अब आप इसमें देखोगे तो बहुत ही अच्छे से, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो कुछ चीज, इतिहास को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें रिलेटिव मिलेंगी। जैसे फ्रांस किसके विरोध में रहता था? ऑस्ट्रिया के विरोध में रहता था। फ्रांस ऑस्ट्रिया के विरोध में रहता था, फ्रांस इंग्लैंड के विरोध में भी रहता था, लेकिन ये दोनों आपस में साथ हो गए थे। क्यों हो गए थे साथ? क्योंकि इनको पता था कि जब युद्ध होगा ना तो उन परिस्थितियों में हमें क्या करना होगा, अपनी चीजों को सही ढंग से लाना होगा, सही ढंग से चलाना होगा, और इसीलिए इन दोनों ने आपसी युद्ध भूल गए, आपसी युद्ध खत्म कर दिया तुरंत ही, और संधि कर ली फटाक से, जैसे ही बारी आई ना कि हाँ अब गड़बड़ होने वाली है, इन लोगों ने आपसी युद्ध समाप्त करके स्टार्ट कर लिया। आप इस पेज को ना, आप ये जो मैंने आउटलाइन दिया है इसको याद रखना, जब हम कारण पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसके पॉइंट तुरंत ही अगला पॉइंट है कारण, जब हम विश्व युद्ध के कारण पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक एक पॉइंट खुलते चला आएगा, और तब आपको लगेगा कि ये पांचों देश एक साथ क्यों थे और ये पांचों देश एक साथ क्यों थे। अब पहली बात मैंने सबसे पहले ही बता दी कि इन पांचों देशों में, मतलब इन देशों में सिर्फ पांच पांच का सहयोग ही नहीं था, बल्कि और भी देश थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के सिपाही भी लड़ने गए थे, तो वो किसकी तरफ से लड़ने गए थे? हाँ?
चीन के सिपाही भी लड़ रहे थे, वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे? ऑस्ट्रेलिया के लोग भी लड़ रहे थे, वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे? उन सभी चीजों को हम अभी पढ़ेंगे। कारण जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको लिंकिंग मिलेगा कि एक चीज से दूसरी चीज कैसे लिंक हो रही है। ठीक है, तो आइए इतना इस स्लाइड को याद रखिएगा। अब अगले स्लाइड पर हम चलेंगे जहां पर हम इसके कारणों की व्याख्या करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला स्लाइड क्या है। तो आइए इसके कारण देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो इतना से इतना चला था कि कारण मतलब इसके कारण कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के लिए अनेक कारण थे जो इसके प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, इसमें कुछ जो कारण थे जिनको हम अभी अभी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला तो इसकी एक लिस्ट बनाते चलिएगा जिसमें सारे के सारे कारण आते जाएंगे। सबसे पहला कारण होगा, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में सबसे पहला कारण होगा कि यूरोप की शक्ति संतुलन बिगड़ गया। यूरोपीय शक्ति संतुलन बिगड़ना, यूरोपीय शक्ति के संतुलन का बिगड़ना ठीक है, यूरोप की शक्ति के संतुलन का बिगड़ना क्या होता है इसमें? हुआ ये था कि जब 1871 में जर्मनी अपने आप को एकीकृत किया था, इकट्ठा किया था, जर्मनी कई टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, जिसको आप 10th में पढ़ोगे मिलेगा, जर्मनी कई छोटे 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 टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने ना अपने आप को युद्ध करके अलग बगल के देशों से संधि करके कैसे करके अपने आप को क्या कर लिया, उसने इकट्ठा कर लिया, और करने के बाद उसने अपने आप को एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र बनाने की कोशिश शुरू कर दी और यूरोप में अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश शुरू कर दी थी। ठीक है, तो उसने क्या किया ना, सबसे पहले ये डिसीजन ले लिया कि हमको अपनी पावर यूरोप में सबसे ऊपर रखनी है, और इसी वजह से उसने क्या करना शुरू कर दिया, यूरोपीय संधियों के साथ अपना नेतृत्व दिखाना शुरू कर दिया। तो 1871 में जब जर्मनी बना तो इंग्लैंड और फ्रांस के लिए खतरा हो गया। उन लोग वो ही दो देश थे जो पूरे के पूरे यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति थी, इंग्लैंड और फ्रांस ही दो देश थे जो यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति थी। अब जब जिस तरीके से जर्मनी ऊपर उठा उसको देखकर इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों के लिए एक चुनौती बन गई और यूरोप के शक्ति का संतुलन जो था वो बिगड़ गया। वो किस कारण से बिगड़ा, तो आओ देखते हैं कि जर्मनी के सशक्त एकीकरण से जर्मनी के सशक्त एकीकरण से हालात भयावह हो गए और इंग्लैंड और फ्रांस की शक्ति को चुनौती दी गई। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस की शक्ति को चुनौती दी गई। ठीक है, तो समझ में आया इसमें क्या हुआ कि हालात इतने खराब थे, मतलब ऐसा भयावह सिचुएशन हो गया था। ठीक है, उसके बाद ये तो बहुत आसान था, उसके बाद हुआ गुप्त संधियां और गुट निर्माण
अब जब इन दोनों के बीच में पावर की थ्रेटनिंग हुई, पावर का डर बना कि हमारी पावर चली जाएगी, इसको लगा नहीं हमारी पावर चली जाएगी, तो इन दोनों के बीच में ना एक थ्रेटनिंग माहौल बन गया, एक डर का माहौल बन गया। और उसी डर के माहौल को क्या किया गया, रूपांतरित करवा लिया गया, चेंज करवा लिया गया। किस फॉर्म में? हमारे अपने युद्ध के फॉर्म में। हुआ क्या? गुप्त संधियों के वजह से ये देखने को मिलने लगा कि पूरा का पूरा यूरोपीय हालात गड़बड़ चल रहा है, सारी की सारी चीजें एकदम टॉपसी टर्वी हो गई हैं, ऊपर के हालात नीचे, नीचे के हालात ऊपर हो गए हैं। कहने का मतलब समझ रहे हो मेरा? जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने यह बात ठान ली थी कि उसे अपने आप को ऊपर ले आना है, और इसी वजह से उसने क्या करना शुरू कर दिया, गुट बनाने शुरू कर दी। ठीक है, तो बिस्मार्क ने जिसने एकीकरण किया था जर्मनी को, बिस्मार्क ने शक्ति वर्धन या शक्ति के लिए लिए कई देशों से संधि कर ली। ठीक है, गुप्त संधि बताया नहीं है, सीक्रेट संधि कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, और अपने आप को क्या करते जा रहे हैं, विकसित करते जा रहे हैं। तो गुप्त संधि कर ली और अपने आप को काफी ज्यादा वर्चस्व दिखाने लगे कि हाँ हमारा चलता है, यूरोप में जो बोलेंगे हम चलते हैं। इसके वजह से और जिसको देख कर क्या हुआ, जिसको देख कर बाकी यूरोपीय शक्तियों ने भी गुट बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो धीरे 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 इन लोगों ने गुटबंदी शुरू हो गई, हम आपका काम नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच में गुटबंदी शुरू हो गई, और इसी गुटबंदी के वजह से यूरोप में गड़बड़ी देखने को मिलने लगी। धीरे 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 एक ऐसा समझौता हुआ ना जहां पर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच में त्रिराष्ट्रीय संधि या जिसको ट्रिपल एंटिटी का नाम दिया गया। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं यूरोपीय शक्तियों ने भी गुट बनाना शुरू कर दिया। इसी में एक नोट डाल देना, और नोट डाल के याद रखिएगा कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने ट्रिपल एंटिटी नाम की संधि कर ली, नामक संधि कर ली थी। ठीक है, और इसी के वजह से, इस ट्रिपल एंटिटी संधि के वजह से पूरी दुनिया में जो ये दुश्मन बने पड़े थे, कौन, फ्रांस और इंग्लैंड, इनका आपस में कभी नहीं जमता था, इन दोनों देशों ने भी क्या कर लिया, अपने आप को इकट्ठा कर लिया था। ठीक है, तो 1804 में ये दोनों भी इकट्ठा हुए थे, और फिर धीरे 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 करके त्रिकूट सम्मेलन बना, त्रिकूट सम्मेलन से ये अलग। अब देखो, बिस्मार्क संधि करके ऊपर का हिस्सा अलग ले जा रहा है, ये लोग संधि करके अपना हिस्सा अलग ले जा रहे हैं, यानी अभी ही देखो दुनिया धीरे 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 दो गुटों में बढ़ती जा रही है। यूरोप की शक्तियां धीरे 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 दो गुटों में बढ़ती जा रही है, बट रही है, और यही बंटवारा तो आगे जाकर कहां के कारण को लीड करेगा, प्रथम विश्व युद्ध के कारण को लीड करेगा। यही तो हम दिखाना चाह रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या है, बस यही सिंपल सा टर्म था जिसको हमको देखना था। अब आइए अगले टर्म की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है।
तो अब कुछ और छोटे छोटे कारण थे, ये तो दो बड़े कारण थे जिनको हमने बता दिया, और कुछ और छोटे छोटे बड़े छोटे छोटे कारण थे जिनको हमको देखना है, ठीक है। तो वो छोटे कारण क्या थे, तीसरा नंबर कारण देख लो, छोटा कारण था जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता। तो बात याद कर लो भाई कि जर्मनी और फ्रांस शुरुआत से ही एक दूसरे के शत्रु बने रहे, ये दोनों हमेशा एक दूसरे को हानि पहुंचाना चाहते थे, वो इनके प्रदेशों को नष्ट करते रहता था, ये इनके प्रदेशों को नष्ट करते रहते थे, तो इन दोनों के बीच में एक शत्रुता का माहौल बना रहता था। जर्मनी ने फ्रांस को ऐसा करना करने की कोशिश कर दी थी कि फ्रांस को पूरे यूरोप से अलग कर दिया जाए, और उसने हर संभव कोशिश कर ली थी कि जितने भी राष्ट्र हो सके सब हमारे फेवर में आ जाए, और इसीलिए जर्मनी का कहा जाता है करीब करीब उसने 13 राज्यों से संधि कर दी थी। तो फ्रांस को नीचा दिखाने के लिए उसने 13 छोटे छोटे राज्यों को अपने में मिला लिया था, ताकि हमारे साथ रहेंगे तो फ्रांस अकेला पड़ जाएगा। तो ऐसे हालात भी थे, ठीक है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच शत्रुता थी जो आगे लीड करेगी, जो आगे के और आगे के टर्म में जाएगी। अब उसके बाद अगला टॉपिक आता है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्ड हो गया ना कोई बात नहीं। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि हर यूरोपीय देश अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की तरफ भागना शुरू कर दिया, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया था कि अगर सरवाइव करना है, अगर जीवित रहना है, तो अपने आप को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, अपना विस्तार करना होगा, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप औद्योगिक क्रांति से भर गया था। औद्योगिक क्रांति मतलब कल कारखाने फैक्ट्री लग चुके थे और भयंकर मात्रा में सामान बनकर पैदा हो रहा था। जितना ज्यादा सामान पैदा हो रहा था उनकी खपत भी तो करनी होगी कि नहीं, और इसी खपत को करने के लिए यूरोपीय देश दूसरे देशों की तरफ भागे। और जो दूसरे देश थे वो कौन कौन से, दो ही देश बचे हुए थे, एक एशिया महाद्वीप बचा हुआ था, एक अफ्रीका महाद्वीप बचा हुआ था। तो यूरोप की सारी शक्तियां एशिया और अफ्रीका की तरफ टूट पड़ी, जितने देश जिनके कब्जे में आ सकते थे उन्होंने कब्जा करना शुरू कर लिया, और इसी का जो विस्तार था, इसी विस्तार को साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का नाम दिया जाता है। तो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा एक बहुत ही स्पेसिफिक टर्म को बताता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये लोग अपनी भूमिका को किस तरीके से बढ़ा रहे थे, ठीक है। अब जितना साम्राज्य बढ़ेगा ये लोग उतने दूर दूर तक के देशों में अपना साम्राज्य चलाएंगे। इसके वजह से मेरा अगला जो पांचवा कारण है वो निकल के आएगा, जब आप अपने देश में नहीं हो किसी और देश में हो, और किसी और देश में आपकी मर्जी तो चलेगी नहीं, तो उस परिस्थिति में आप क्या करोगे, उस परिस्थिति में आप अपनी सुरक्षा करने की कोशिश करोगे, और जब भी कोई सुरक्षा की बात आती है तो खुद ब खुद कौन सा शब्द निकल के आता है, सैन्यवाद। सैन्यवाद, ये लोग साम्राज्य बनाने के लिए दूसरे दूसरे देश में चले गए, और वहां पर अपनी सुरक्षा के लिए इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, सेना बनानी शुरू कर दी। और जितनी ज्यादा सेना बन रही थी उतने ही ज्यादा उसके समर्थक बनते जा रहे थे, हथियार बन रहे थे, गोला बारूद बन रहा था, सेना बन रही थी और सैन्य विस्तार हो रहा था। जब आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है तब आप युद्ध करने से थोड़ा डरते हो, आप सोचते थोड़ा पीछे हट जाते हैं, नहीं युद्ध नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर आपका एक छोटा सा डंडा बेल्ट कुछ भी आ जाता है तो आप झगड़ा करने पे एकदम उतारू हो जाते हो कि चलो जाके मारेंगे, आज देख लेंगे कौन क्या बोलता है, ठीक है। तो सैन्यवाद में जब सेना के पास सेना बन गई, हथियार आ गए, तो कोई देश पीछे जाने को तैयार ही नहीं, सब बोल रहे हैं जो होगा देखेंगे, चलो लड़ते हैं। इसी वजह से एक सैन्यवाद भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण में आता है। उसके बाद कोई एक अंतरराष्ट्रीय सभा नहीं थी, अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं थी, अंतरराष्ट्रीय
संस्था का अभाव था, जो क्या करे, जो कंट्रोल करे, जो इन दोनों को भाई बताए कि देख भाई ये गलत है, ये नहीं करना है, जो इनको बता सके, ठीक है, तो वो होती अंतरराष्ट्रीय संस्था। और अंतरराष्ट्रीय संस्था का यहाँ अभाव था, इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच में जो झगड़ा था उसको सुलझाया नहीं जा पा रहा था। अच्छा, अगर हम दोनों से, हम किसी से झगड़ा कर लें और हम दोनों से कोई एक बड़ा व्यक्ति आ जाए जो झगड़े को निपटाना जानता हो, तो वो निपटा देगा कि नहीं, हमारे झगड़े को आसानी से निपटवा देगा। कैसे? क्योंकि उसको पता है कि इन दोनों को क्या चाहिए और वो आसानी से झगड़ा खत्म करा सकता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्था थी ही नहीं तो झगड़ा खत्म कराएगा कौन? और सबसे भयंकर जो आता है वो है तात्कालिक कारण, जिसको कहते हैं तात्कालिक कारण, जिसको कहते हैं, जिसमें हुआ क्या, जिसमें ऑस्ट्रिया का एक युवराज था, युवराज था, जिसका नाम था, जिसका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। ऑस्ट्रिया का युवराज था जिसका नाम था आर्क ड्यूक, महाराज जैसे हम लोग के यहाँ होता है ना, वैसे ही उन लोगों के यहाँ राजा के लिए ड्यूक बोलते हैं और महाराजा के लिए आर्क ड्यूक बोलते हैं, ठीक है। तो आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड नाम के एक राजा थे, ठीक है, फर्डिनेंड नाम के एक युवराज थे, जिनको सर्बिया, सर्बिया, मैंने इस देश का नाम बताया था, सर्बिया देश के एक आतंकवादी संस्था, आतंकी संस्था ब्लैक हैंड ने मार दिया था। ब्लैक हैंड ने मार दिया भाई, हत्या कर दी गई पूरी मीटिंग में। मतलब ब्लैक हैंड नाम की एक संस्था ने आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके वजह से पूरा यूरोप हैरान। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को बस ये कहा कि सुनिए सर, सुनिए, आप हमें बस ब्लैक हैंड दे दीजिए, कुछ नहीं करेंगे हम। लेकिन सर्बिया ने कहा कौन सा ब्लैक हैंड, हम तो ब्लैक हैंड को जानते तक नहीं है। और इसी वजह से ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के बगैर युद्ध छेड़ दिया, और वो युद्ध जो बढ़ा, जो प्रोग्रेस ली उसने, वो युद्ध बहुत आगे गया था। अब ये तो था हमारा तात्कालिक कारण, जिसने पूरे के पूरे चीजों को दिखाया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि युद्ध का खुलाव कैसे हुआ, युद्ध खुला कैसे, ठीक है, इसके इवेंट पढ़ेंगे, युद्ध की अलग अलग घटनाएं पढ़ेंगे। तो कारण था और सबसे शुरुआती कारण था, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो देख के बहुत ही आसान लगा है और पढ़ने में आसानी रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।